नमस्कार लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और फर्स्ट ईयर में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है आज 8 जून से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, फर्स्ट ईयर में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करना भी प्रारंभ आज से हो गया है। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी, पूरी शेड्यूल के बारे में जानकारी देंगे कि कितने चरण में एडमिशन होना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस इन्फॉर्मेशन की। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह सबसे पहले अपडेट आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इन सभी ग्रुप के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप सबसे पहले अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के इस इन्फॉर्मेशन की। तो शेड्यूल जो आया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अधिसूचना आज ही के दिन जारी की गई है, 8 जून 2023 को, जिसमें यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल जो है प्रथम वर्ष के लिए 8 जून 2023 से 25 जुलाई 2023 तक के लिए खोली जा रही है ऑनलाइन पोर्टल को, जिसमें आप सभी जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपका जो नाम है मेरिट क्रम के बेस पे कॉलेज में जाएगा और फिर वहीं आपका एडमिशन होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर और आगे डिटेल के रूप में कि आवेदित छात्र छात्राओं की सूची प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र छात्राओं का गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार करेगा और शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मार्गदर्शिका, जो मैंने पहले वीडियो डाल दी गई है, प्रवेश मार्गदर्शिका जो आई हुई है उसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो पहला चरण क्या होगा, तो देखिए आप सभी फॉर्म भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जो फर्स्ट लिस्ट आएगा, उस फर्स्ट लिस्ट में आपका जो है महाविद्यालय में कॉलेज में आपको मिल जाएगा लिस्ट 25 जून को, और 26 जून को मेरिट लिस्ट आपको जारी कर दी जाएगी विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद प्रवेश लेने की तिथि 26 से 7 जुलाई तक का रहेगा। इस बीच में जिसमें यहाँ पर नाम आया रहेगा फर्स्ट लिस्ट में, उन लोग एडमिशन लेंगे, नहीं लेंगे तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी और उसके बाद द्वितीय चरण में वो भरी जाएगी। इसके बाद फिर से सेकंड लिस्ट आएगा 7 तारीख को, और 7 तारीख ये कॉलेज को मिलेगा, और कॉलेज को मिलने के बाद 8 तारीख को आप सभी स्टूडेंट के लिए चस्पा कर दी जाएगी। वहीं पर आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, बाकी कॉलेज जाकर भी आप पता कर सकते हैं। फिर 8 तारीख से 18 तारीख तक का फिर से समय मिलेगा। उसके बाद जितने भी जो सेकंड लिस्ट में एडमिशन के लिए नाम आया रहेगा वो आप एडमिशन लेंगे। उसके बाद तृतीय चरण भी इसी तरीके से होगी, जो 18 तारीख 19 तारीख और 19 से 31 के बीच में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या बोल रहा है टीप, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 31/7/2023 को, यानी 31 जुलाई को अगर कोई भी रिक्त स्थान बचता है, अगर सीट किसी कॉलेज में बच जाता है, तो सभी वर्गों के लिए खोल दिया जाएगा। मतलब आप अपने कॉलेज के नियम के अनुसार जो है कॉलेज में एडमिशन को ले सकते हैं। हो सकता है पहले आओ पहले पाओ भी हो सकता है, या फिर उसी लिस्ट में से किसी और आगे का भी कर सकते हैं। स्नातक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश शासन द्वारा मार्गदर्शन के अनुरूप होगा, पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है, आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और लिखित अनुमति के लिए बिना कोई महाविद्यालय ऑफलाइन प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से ही पहले ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी जाकर ही आपका एडमिशन होगा। डायरेक्ट ऑफलाइन से किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सेटिंग नहीं चलेगा। और ये लास्ट में सीट बचेगा तब की बात है, और नहीं बचेगा तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा, कंटिन्यू आप सभी को इन्फॉर्मेशन जो है शेयर किया जाएगा। और इसी तरह से जो है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।